अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणीर मधुर मधुरौ वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुरौ वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुरौ मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम करणम मधुरम शरणम मधुरम
शरणम मधुरम रमणम मधुरम मधुरम रमणम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम समितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम समितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम गोपी मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम श्रीष्टम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम श्रीष्टम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा प्रचिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम
मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम पदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे भगवान की कथा जीवन में आनंद प्रदान करने वाली है क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंदमय ही है। चूंकि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। चूंकि भगवान की ये जो त्रिगुणमयी माया है इसके कुचक्र में पड़ के या इसके चक्र में पड़ करके हम जो स्वयं हैं जो आनंद स्वरूप हैं अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन जब भी हमारे जीवन में भगवान गोविंद की कथा आती है, जब भी जीवन में भगवान का भजन आता है तो फिर से हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, कोई बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद उसे डॉक्टर लोग गोली दवाई देते हैं तो क्या कहते हैं मरीज आकर के, क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, माने अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सब लोग भी जैसे संसार में बीमारी से ग्रसित होते हैं वैसे ही ये भी एक भव रोग है। भगवान की ये जो त्रिगुणमयी माया है इस माया से ऐसे ही जीव पार नहीं पा लेता, इस माया के चक्र में हम सब लोग भव रोग में उलझे हुए हैं। तो इस भव रोग की जो औषधि है वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही है, भगवान की कथा ही है। ये कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी तो संसार में सब कुछ व्यथा है। तो प्रेम से बोलो राधे। लेकिन कथा प्राप्त होती है हमें संतों से, विद्वानों से, अच्छे वक्ता ब्राह्मणों से।
बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है। बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, क्योंकि संत के आने से हमारे जीवन में भगवान की कथा साथ में आ जाती है। बिना संत के भगवान की कथा नहीं आती। तो भगवान की कथा आने के बाद हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ माने अपने आप में, स्व माने हम स्वयं, और स्थ माने स्थिति, माने हमारी स्वयं की जो ओरिजिनल मूल जो स्थिति है, हम अपनी मूल स्थिति पर लौट करके वापस आ जाते हैं। कब? जब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है तब। और जैसे ही कथा से पृथक हुए, जैसे ही कथा से अलग हुए, फिर से वही भगवान की त्रिगुणमयी माया हमें उसी चक्र में लपेट लेती है। भूमि परत भा डावर पानी, जिम जीव है माया लपटानी। जैसे आकाश से बारिश हो रही है, वृष्टि हो रही है, तो यदि भूमि के स्पर्श से पहले ही आपने वर्षा का जल अंजलि में ले लिया, तो वो जल कितना निर्मल होता है, कितना स्वच्छ होता है, कितना सहज सरल और पवित्र होता है। उसे आप पी भी सकते हैं, आचमन भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, भोजन भी बना सकते हैं, लेकिन वही जल जब इस भूमि का स्पर्श कर लेता है तो वो आपके किसी काम का नहीं रहता। फिर तो वो नाली में बहने वाला एक नाली की गंदगी में परिणित हो जाता है, नाले में चला जाता है। फिर वो न खाने योग्य है, न पीने योग्य है, न भोजन बनाने योग्य है, न नहाने योग्य है। तो ठीक उसी तरह से ये जीव की स्थिति है। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो परम पवित्र होता है, उसे अपने पूर्व जन्मों तक की भी यादें रहती हैं, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आकर के इस भूमि का स्पर्श करता है, वैसे ही भगवान की त्रिगुणमयी माया जीव को लपेट लेती है और वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी स्थिति क्या है। तो स्वस्थ होने का मतलब है भगवान की कथा हमें अपने आप में स्थित करती है। हम अपने आप को, स्वयं को जानने लगते हैं कि हम कौन हैं। इसी का नाम है स्वस्थ होना। तो भगवान गोविंद की कथा हमें हमारे जीवन में स्वस्थ करके मंगल प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलो राधे। हमारी आज एक कथाकार नहीं दिख रही है सामने, इतने दिन से तो दो दो कथाकार बैठी थी, एक राधिका दीदी बैठी हैं और वो एक अर्चना दीदी, दोनों ही कथा करती। एक आज अनुपस्थित है। तो देखो, भगवान की कथा हमें हमारे अंदर स्थित करके हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराती है, और यही ज्ञान वास्तव में हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए, किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा हो जाए, तो फिर रमण बिहारी, बांके बिहारी भी हमारे जीवन में चले आते हैं, वो भी हमें स्वीकार करते हैं। किसी ने कहा कि बांके बिहारी की, रमण बिहारी, रास बिहारी की कृपा कब प्राप्त होती है? तो कोई महापुरुष कहते हैं कि जब कोई श्री कृष्ण के विरह में अपने बंद कमरे में बैठ करके एक एक टप टप आंसू से रुदन करता है, उनकी याद में, प्रेम में लीन हो जाता है,
तो बहुत दिन तक किशोरी श्री राधिका रानी अपनी अंजलि में उसके एक एक आंसू को लेकर के एक सुंदर सी माला पिरोती हैं। और वो जब हजारों की संख्या में बहुत बड़ी माला हो जाती है तो फिर किशोरी जी बांके बिहारी के गले में उसे धारण कराती है। जब कोई भक्त श्री कृष्ण के विरह में प्रेम से गदगद होकर के रुदन करता है, और रुदन क्या करेगा, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगे भ्यह। माने रुदन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब हृदय से हरि का गुण गाया जाता है, हृदय से भगवान को प्रेम किया जाता है, याद की जाती है, तो फिर आंसू कब आ गए, कब टपक गए, कब टप टप करके गिरने लगे पता ही नहीं लगता है। तो किशोरी श्री राधिका रानी जी जाकर के बांके बिहारी से कहती हैं, हे श्री ठाकुर जी, अरे अब तो कृपा कर दो, कितने वर्षों से वो तुम्हारी विरहा अग्नि में जल रहा है, कब से आपकी कृपा दया प्राप्त करना चाहता है। तो बांके बिहारी रमण बिहारी एक ही बात कहते हैं, हे राधिके, अरे मेरी कृपा तो तुम्हारी मुट्ठी में है, इसीलिए आपको ब्रजभूमि में सबसे ऊंचे टीले पर विराजमान कर रखा है। तो हमारी ब्रजभूमि की और संपूर्ण भूमंडल की जो अधिपति हैं रास रासेश्वरी किशोरी श्री राधिका रानी ही हैं। राधा जी किशोरी जू लाडली जू बरसाने में बैठ करके संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण रखती हैं, और केवल ब्रह्मांड का ही नहीं, कन्हैया भी उनके ही नियंत्रण में रहते, क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है हमारे लाला की, कन्हैया की। बरसाने का बड़ा सुंदर सा भाव है। अब कई माता बहनों ने निवेदन किया कि महाराज जी ये भाव वैसे हम एक बार गा चुके हैं कथा में, लेकिन फिर दोबारा से सुनने की इच्छा है, क्योंकि किशोरी जी का कोई भी भाव हो और वो भी ऐसा भाव हो, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, तो हम भी सोचते हैं कि चलो जितनी बार गाने का, जितनी बार आनंद लेने का मौका मिले उतनी बार लिया जाए, तो दूसरे स्वर में चलेंगे हम लोग।